हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास क्या है, एक तो हमें क्या निकालना है कि फंक्शन पे फंक्शन अप्लाई करना, जैसे जी ओ एफ एंड एफ ओ जी इस तरह से, और हमारे पास क्या है इसके अंदर इनवर्स। ये देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का, लेट एफ, एफ हमारे पास कोई फंक्शन है जिसके अंदर क्या है 1, 3, 4 अप टू 1, 2, 5 फंक्शन है। कहाँ से? इस सेट से। इस सेट पे एक फंक्शन है एंड जी हमारे पास फंक्शन है 1, 2, 5 से 1, 3 पर। बी गिवन बाई, और जिसके अंदर गिवन क्या है एफ, एफ हमारे पास क्या फंक्शन बना रखा है 1, 2, 3, 5, 4, 1 एंड जी हमारे पास फंक्शन बना रखा है 1, 3, 2, 3, 5, 1। राइट डाउन जी ओ एफ, हमें क्या फन लिखना है जी ओ एफ द फंक्शन एफ। एफ हमारे पास एक फंक्शन है 1, 3, 4 से 1, 2, 5 पर एंड जी हमारे पास एक फंक्शन है 1, 2, 5 से 1, 3 पर। अब एफ के अंदर फंक्शन में क्या दे रखा है 1, 2, अगर 1 वैल्यू पुट कर रहे हैं 2 मिल जाएगा, 3 पुट कर रहे हैं 5 और 4 पुट कर रहे हैं 1। इसी तरह जी में फंक्शन है 1 पुट करने से 3, 2 पुट करने से 3 और 5 पुट करने से 1। हमें निकालना है जी ओ एफ। पहले हमारे पास किसके लिए निकाल रहे हैं, 1 के लिए निकाल रहे हैं हम, 1, 3 और 4 तीन है हमारे पास फंक्शन, तो तीनों के लिए निकाल के दिखाएंगे। देखो जी ओ एफ 1, एफ 1 के लिए निकाल रहे हैं तो जी को आगे रख लेंगे और इन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे एफ 1। जी एज इट इज़, एफ 1 की वैल्यू क्या है, जब हमने एफ के अंदर 1 वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर क्या आया था 2, तो क्या आ जाएगा एफ 1 की वैल्यू कितनी आई 2, जी 2 हो गया। अब जी 2 पुट किया तो कितना आया था आंसर 3, तो ये हमारे पास क्या आया 3। नेक्स्ट है जी ओ एफ 3 के लिए निकाल देंगे, फंक्शन में 3 है। नेक्स्ट जी ओ एफ 3, जी बाहर रख लिया और क्या बन गया फंक्शन एफ 3। अब एफ 3 इसके अंदर, एफ के अंदर देखो 3 पुट करने से क्या आंसर मिला 5, तो क्या आ जाएगा जी 5। जी के अंदर जब हमने 5 अप्लाई किया तो क्या आया 1, तो क्या आ जाएगा ये 1। नेक्स्ट है जी ओ एफ 4, जी एज इट इज़ एफ 4, जी को बाहर रख लिया, एफ 4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा 1। जी 1 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 3, तो ये क्या आया 3। तो जी ओ एफ के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, जब 1 अप्लाई करेंगे 3 आएगा, जब 3 अप्लाई किया 1 आया, जब 4 अप्लाई किया तब 3 आया, तो ये हमारे पास जी ओ एफ है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर। हमारे पास एफ जी और एच फंक्शन है आर टू आर, रियल टू रियल के लिए। शो दैट एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, एफ इंटू जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। इसके लिए देखो टू प्रूव एफ प्लस जी ओ एच, एफ प्लस जी ओ एच को हमने अप्लाई किया तो पहले फंक्शन एफ के लिए अप्लाई कर दिया एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये इसके इक्वल है। कैसे? देखो एफ प्लस जी ओ एच, एच को हमने क्या ले लिया एक्स का फंक्शन ले लिया, तो अलग अलग अप्लाई कर देंगे एफ प्लस जी और बाहर क्या आ जाएगा ओ एच एक्स है, तो इसका क्या बन गया एच एक्स। फिर जो एच एक्स फंक्शन है पहले एफ के ऊपर अप्लाई कर दिया एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स, तो इससे क्या बन जाएगा एफ ऑफ एच एक्स को हम क्या लिख सकते हैं एफ ओ पे ऑफ एच एक्स प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं जी ऑफ एच एक्स, और दोनों में से हमारे पास क्या आ गया एच एक्स, दोनों में है हमारे पास एक्स के वेरिएबल में दोनों को ले रखा है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको एफ ओ एच प्लस जी ओ एच इंटू में क्या आ जाएगा एक्स। एक्स हमारे पास क्या, इट मीन्स इसका वेरिएबल यही हमारे पास क्या है इसकी राइट हैंड साइड। इसी तरह से हम सेकंड प्रूव कर देंगे एफ इंटू जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच जी ओ एच, अप्लाई कर दिया एफ इंटू जी ओ एच ऑफ एक्स, एक्स पे अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ इंटू जी ओ एच एक्स को हमारे पास क्या बन गया एच एक्स। अब एफ ऑफ एच एक्स हो जाएगा इंटू जी ऑफ एच एक्स, एफ ऑफ एच एक्स है उसको हम क्या लिख देंगे एफ ओ एच और इसको क्या लिख देंगे जी ओ एच और इंटू में हमने क्या ले लिया एक्स, यही हमारे पास क्या था राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी इफ। हमें जी ओ एफ और एफ ओ जी फाइंड करना है। कैसे? If एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, एफ एक्स हमें क्या दे रखा है मोड ऑफ एक्स एंड जी एक्स दे रखा है मोड ऑफ 5x माइनस 2।
सबसे पहले एफ एक्स दे रखा, जी एक्स दे रखा, तो क्या निकालना है, जी ओ एफ। जी ओ एफ के लिए जी को बाहर रख लेंगे, एफ एक्स हो जाएगा जी एज इट इज़। एफ एक्स हमारे पास क्या है, फंक्शन मोड ऑफ एक्स। अब जो एक्स, जी के अंदर जो एक्स है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, मोड ऑफ एक्स। तो इसको हम क्या लिख देंगे, मोड के अंदर है 5 और एक्स की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, मोड ऑफ एक्स माइनस 2। दूसरा हमारे पास क्या निकालना है हमें, एफ ओ जी। एफ ओ जी के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इंटू ऑफ क्या आ जाएगा, जी एक्स। एफ को बाहर रख लिया, जी एक्स हमारे पास क्या है, मोड ऑफ 5x-2। फंक्शन के अंदर जहाँ एक्स है वहाँ क्या अप्लाई कर देंगे, मोड ऑफ एक्स माइनस टू। तो फंक्शन क्या है, ये है, यहाँ एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे मोड ऑफ एक्स, एक्स की जगह ये रिप्लेस कर दिया मोड ऑफ 5x-2 और फिर बाद में मोड ऑफ कर दिया। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, इसी तरह 5x इज इक्वल टू 8x³ एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। एफ एक्स इज इक्वल टू 8x³। अब जी ओ एफ निकालेंगे, जी को बाहर रख लिया, ऑफ एफ एक्स कर दिया, जी एफ एक्स हमारे पास क्या है, 8x³ इज इक्वल टू जो जी है उसके अंदर जहाँ एक्स है उसकी जगह क्या लिखेंगे, 8x³। एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, 8x³ और पावर कितनी उसकी, 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इसको क्या लिख देंगे, 2³। इसको मैंने पूरे को लिख दिया 2x³ और पावर क्या है, 1/3। 3 से 3 पावर कैंसिल हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, 2x। इसी तरह से एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, एफ को बाहर रख लिया, ऑफ जी एक्स लिख देंगे, इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 1/3। अब जहाँ फंक्शन में एक्स है उसकी जगह क्या रखेंगे, एक्स की पावर 1/3। ये क्या है, 8x की जगह क्या रख दिया, एक्स की पावर 1/3 और पूरे की पावर कितनी देर की इसमें, वॉल क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसल, तो क्या आ जाएगा, 8x। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। If एफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3/6x-4 एंड एक्स नॉट इक्वल टू 2/3, शो दैट एफ ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 2/3, वट इज द इनवर्स ऑफ एफ, और एफ का जो इनवर्स है वो क्या आएगा, ये हमें निकालना है। देखो, गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3/6x-4, एक्स नॉट इक्वल टू 2/3, हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एफ। एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स रख दिया, फंक्शन में जहाँ एफ है जो उसके अंदर हमें क्या रखना है, एफ एक्स। एफ एफ एक्स हमारे पास कितना है, 4x+3/6x-4। अब वही फंक्शन में अप्लाई करना है, इस फंक्शन में, ये फंक्शन है, इसके अंदर जहाँ एक्स है उसकी जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू अप्लाई करेंगे। कैसे, 4 को एज इट इज़ कर दिया, एक्स की जगह पे मैंने क्या रख दिया, पूरी वैल्यू पुट कर दी, 4x+3/6x-4 और +3 डिवाइडेड बाई 6 एज इट इज़ रख लिया, एक्स की जगह 4x+3/6x-4 इंटू -4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6x-4 LCM आ जाएगा, 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4×4 = 16x +4×3 = 12, बीच में प्लस है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6×3 = 18x -6×4 = 12। इसी तरह से डिनोमिनेटर का ले लेंगे हम, 6x-4 LCM आ जाएगा, इस 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6×4 = 24x +6×3 = 18 माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6×4 = 24x +16। अब 12 से 12 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया और इधर 24 से 24 कैंसिल, 16 और 18 हमारे पास कितना आएगा, 34x और 18 प्लस 16 क्या आएगा, 34, 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, एफ ओफ एफ इज इक्वल टू x, ये हमारे पास इक्वल आ गया, फॉर ऑल x नॉट बिलोंग टू 2/3। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एफ ओफ एफ। एफ ओफ एफ मीनि कि फंक्शन पे फंक्शन अप्लाई करना, वो किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल, तो उसको मैंने बोल दिया एफ ओ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ एक्स, हेंस द गिवन फंक्शन एफ इज इनवर्टेबल। तो हम क्या बोल देंगे, जब एफ ओ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ एक्स के इक्वल आ गया तो क्या बोल देंगे कि जो फंक्शन है वो कैसा है, इनवर्टेबल, और इनवर्टेबल है अगर फंक्शन तो इनवर्स पॉसिबल है, एंड द इनवर्स ऑफ एफ इज एफ इट्सेल्फ, तो एफ का जो इनवर्स है वो क्या होगा, वो खुद ही एफ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट विद रीजन विद फॉलोइंग ऑफ द फंक्शन बी इनवर्स। एफ हमें दे रखा है 1, 2, 3, 4, 10। विद एफ हमारे पास फंक्शन दे रखा है 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10। अब अप्लाई करके देखते, देखो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एफ, फंक्शन की जो डेफिनेशन है उससे लेके चल रहे हम, वी कैन सी दैट एफ इज़ ए
मैनी वन फंक्शन। अगर हम इसके डेफिनेशन देखते हैं तो एफ हमारे पास क्या है, मैनी वन फंक्शन, कि अलग अलग वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं, वन अप्लाई कर रहे हैं, टू अप्लाई कर रहे हैं, थ्री अप्लाई कर रहे हैं, फोर, बट हर एक में वैल्यू हमारे पास आंसर क्या दे रही है, टेन। तो मैनी वन, ज़्यादा से एक के एक वैल्यू आ रही है तो इसको हमने क्या बोल दिया, मैनी वन फंक्शन। एज एफ वन इज इक्वल टू एफ टू इज इक्वल टू एफ थ्री इज इक्वल टू एफ फोर इज इक्वल टू किसके आया, टेन के। तो अगर ये मैनी वन फंक्शन तो वन वन नहीं है, तो क्या बोल देंगे, एफ इज नॉट ए वन वन, हैंस एफ एन इज डज नॉट हैव एन इनवर्स। और जब हमारे पास वन वन फंक्शन नहीं है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। इनवर्स की हमारे पास कंडीशन होती है, अगर फंक्शन वन वन और ऑन टू है तो हम क्या बोल देंगे, फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ फंक्शन वन वन नहीं है तो क्या बोल देंगे, डज नॉट हैव एन इनवर्स। सेकेंड है इसी तरह जी ऑफ 5 6 7 8 2 1 2 3 4, डिफाइन है जी हमारे पास 5 से 4 आ गया, 6 3 7 4 8 2 फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ जी। इसके अंदर जी की अगर हम डेफिनेशन देख रहे हैं तो क्या आएगा, इट इज सीन दैट जी इज ए मैनी वन फंक्शन, इज तो जी है वो भी मैनी वन फंक्शन। कैसे, 5 से भी 4 आ रहा है, 7 से भी 4 आ रहे हैं, तो हम क्या बोल देंगे, जी 5 इज इक्वल टू जी 7 इज इक्वल टू 4, तो जी इज नॉट ए वन वन, जी वन वन नहीं है, हैंस फंक्शन जी डज नॉट हैव एनी इनवर्स। थर्ड है हमारे पास एच 2 3 4 5 2 7 9 11 13, डिफाइन एज एच 2 7 3 9 4 11 5 13, इट इज सीन दैट ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट। हमारे पास क्या दे रखा है, 2 3 5 जो सेट के एलिमेंट हैं उनकी हर एक की अलग अलग इमेज मिल रही है अंडर एच। इट इज सीन दैट ये हमें दिखाई दे रहा है ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट, इस सेट के अलग अलग एलिमेंट्स की हैव डिस्टिंक्ट इमेज, सभी के अलग अलग इमेज है अंडर एच। फंक्शन एच इज वन वन, अगर अलग अलग इमेज है तो क्या बोल देंगे, फंक्शन वन वन है। ऑल्सो एच इज ऑन टू, और एच है वो ऑन टू भी है, सिंस एवरी एलिमेंट वाई ऑफ द सेट 7 9 11 13 ऑन टू कब होता है, जब ये जो हमारे पास फंक्शन है इसकी सभी की इमेज मिल जाए, तो सभी की हमें प्री इमेज मिल रही है तो हम क्या बोल देंगे, ऑन टू भी है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन द सेट, तो इसके अंदर जो एक्स है इसके अंदर हमारे पास क्या है, एलिमेंट 2 3 4 5 सच दैट एच एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हम क्या लिखेंगे, एच एक्स इज इक्वल टू वाई। क्यों, क्योंकि हमें इनवर्स फाइंड करना था, तो इसका इनवर्स के लिए क्या लिख दिया, दस एच इज ए वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, हैंस एच हैज एन इनवर्स, तो हम एच का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं अगर ये ऑन टू वन वन ऑन टू फंक्शन है तो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट एफ सच दैट -1 to 1 अप टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 2 इज 1 1। हमें क्या दे रखा है कि गिवन है ये कि ये कैसा है 1 1, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ, एफ है -1 से 1 अप टू आर, एंड ये हमारे पास इंट दे रखा है इसके लिए। देखो फंक्शन हमें दे रखा है -1 to 1 अप टू आर इज गिवन एफ एक्स हमारे पास क्या, एक्स बाई एक्स प्लस 2 फॉर 1 1 1 1। के लिए हम सबसे पहले क्या प्रूव करते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई आ जाए, एक एक्स ले लिया एक वाई ले लिया, दो पॉइंट है, अगर दोनों फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो उनकी वैल्यू इक्वल कब आती है, जब दोनों इक्वल हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं आती। तो अप्लाई करके दिखाएंगे, एक्स बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, इसमें अप्लाई कर दिया वाई, वाई बाई वाई प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एक्स इंटू वाई प्लस 2, इसकी इसके साथ कर देंगे वाई इंटू एक्स प्लस 2, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई प्लस 2 एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2 वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, इधर क्या है 2x इज इक्वल टू 2y, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया x इज इक्वल टू y। तो फंक्शन की वैल्यू इक्वल कब हो सकती है, जब दोनों वैल्यू दोनों फंक्शन इक्वल हैं, तो क्या बोल देंगे f इज ए 1 1 फंक्शन। इट इज क्लियर दैट f अप टू -1 to 1 रेंज f इज ऑन टू, तो हम क्या बोल देंगे कि ये -1 से 1 है, तो रेंज जो है इसके फंक्शन की वो कैसी है, ऑन टू है, हेंस एफ फंक्शन है -1 से 1, रेंज एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, एंड देयर फॉर द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, अगर 1 1 और ऑन टू है तो इस फंक्शन का हम इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। इसका इनवर्स के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो लेट जी, हमने एक फंक्शन मान लिया जी, रेंज ऑफ एफ, एफ की जो रेंज है वो क्या है -1 से 1, बी द इनवर्स ऑफ एफ, लेट वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ रेंज एफ, जो एफ हमारे पास रेंज है उसके अंदर ये है हमारे पास रेंज, इसके अंदर मैंने कोई एक एलिमेंट मान लिया और उसका नाम क्या रख लिया मैंने वाई,
तो क्या लिखेंगे, सिंस f माइनस वन टू वन अप टू रेंज f इज ओन टू, तो y इज इक्वल टू क्या ले लिया, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर ओन टू फंक्शन है तभी तो अप्लीकेबल कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस टू, फंक्शन ये हमारे पास है, अप्लाई कर दिया हमने दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया एक्स वाई प्लस 2y आ जाएगा इज इक्वल टू में क्या है x, 2y को इधर रख लिया, इधर लेके आए x माइनस एक्स वाई, 2y इज इक्वल टू दोनों में से x कॉमन ले लेंगे 1 माइनस वाई, x की वैल्यू क्या आई 2y बाई 1 माइनस y और y नॉट इक्वल टू 1, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखो इसको कैसे अप्लीकेबल करते हैं, लेट अस डिफाइन, हमने क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया एक फंक्शन g रेंज ऑफ f, अगर हम इसके लिए अप्लीकेबल कर दें इन्वर्टिबल दिखा देंगे हम फंक्शन को कैसे g o f के लिए और f o g के लिए, जी वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ पे हमारे पास जो हमने वैल्यू निकाली थी एक्स की वो हमारे पास जी वाई के इक्वल ले ली, टू वाई बाई वन माइनस वाई और वाई नॉट इक्वल टू वन है, पहले हम क्या करेंगे जी ओ एफ अप्लाई कर देंगे, अगर वो एक्स के इक्वल आ जाए, एफ ओ जी वाई है वो वाई के इक्वल आ जाए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेबल, और इन्वर्टेबल है तो फंक्शन का इन्वर्स आ गया, तो जी ओ एफ एक्स जी अप टू एफ एक्स, जी एज इट इज रख लिया मैंने, एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी थी एक्स बाई एक्स प्लस टू, तो जी हमारे पास ये है टू और इसकी जगह वाई की जगह क्या रख दिया, एक्स की वैल्यू क्या थी एक्स बाई एक्स प्लस टू, वन माइनस वाई की जगह रख दिया फंक्शन एक्स बाई एक्स प्लस टू, मल्टीप्लाई कर लेंगे टू एक्स बाई एक्स प्लस टू अप टू, इसकी और इसकी क्या आ जाएगी एक्स प्लस टू माइनस एक्स, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया तो क्या आया टू एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल क्या आ गया एक्स, ये तो आ गया हमारे पास दूसरा f ऑफ g y, f ऑफ g y इज इक्वल टू f हमारे पास क्या है फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है f ऑफ x हमारे पास दे रखा है x बाई एक्स प्लस वन, तो x की जगह पे हमें क्या रखना है g y और g y हमारे पास क्या है g y, हमारे पास फंक्शन निकाल रखा है 2y बाई वन माइनस y, ये अप्लाई कर देंगे हम फंक्शन में एफ एक्स, एफ हमारे पास एक्स की जगह मैंने ये अप्लाई कर दिया, एक्स की जगह क्या रखा वाई, टू वाई बाई वन माइनस वाई, यहाँ भी रख दिया टू वाई बाई वन माइनस वाई और प्लस से टू, फंक्शन में क्या है प्लस से टू, अप्लाई कर दिया टू वाई, ये हमारे पास नीचे से डिनोमिनेटर ले लेंगे वन माइनस वाई, टू वाई प्लस टू माइनस टू वाई, ये कैंसिल हो जाएगा टू वाई से टू वाई कैंसिल, टू वाई बाई टू, टू से टू कैंसिल क्या आ गया वाई, तो जी ओ एफ इज इक्वल टू एक्स आ गया, आइडेंटिटी आ गई माइनस वन टू वन और एफ ऑफ जी इज इक्वल टू वाई आ गया, आइडेंटिटी रेंज ऑफ एफ आ गई हमारे पास, तो एफ इनवर्स वो किसके इक्वल हो जाएगा जी के इक्वल और जी हमारे पास क्या था एफ ऑफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू टू वाई बाई वन माइनस वाई और वाई है वो नॉट इक्वल टू वन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर f r टू r, हमने एक फंक्शन अप्लाई कर लिया r टू r, रियल टू रियल, गिवन by fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 और जो हमारे पास fx है वो है 4x प्लस 3, शो दैट f इज इन्वर्टेबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f, तो हमें इन्वर्टेबल प्रूव करना है, इन्वर्टेबल के लिए हम क्या करेंगे f o g और g o f दोनों निकाल के दिखा देंगे और क्या आ जाएगा इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल तो इनवर्स निकाल देंगे, देखो पहले 1 1 और ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा, एफ आर टू आर और फंक्शन दे रखा है 4x प्लस 3, 1 1 के लिए हमने दो वैल्यू ले ली एक x और एक y, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई अप्लाई कर दिया 4x प्लस 3 इज इक्वल टू x की जगह y अप्लाई कर दिया 4y प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया 4x इज इक्वल टू 4y, 4 से 4 कैंसिल x इज इक्वल टू y, f हमारे पास 1 1 फंक्शन होगा, जब x हमारे पास x की वैल्यू x और y इक्वल है तो फंक्शन में वैल्यू इक्वल आ रही, इसलिए फंक्शन को हमने क्या बोल दिया 1 1, फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए हम क्या प्रूव करते थे फॉर वाई बिलोंग करता है आर से और वाई हमारे पास क्या 4x प्लस से 3, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इधर लेके आएंगे y माइनस 3 और 4 को डिवाइड में ले आए y माइनस 3 बाई 4 अब बिलोंग्स टू r, ये भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, सो दैट एनी y बिलोंग्स टू r, अगर कोई भी y है वो हमारा r से बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट इट मीन एग्जिस्ट और x इज इक्वल टू y माइनस 3 बाई 4, तो वो भी हमारे पास r से बिलोंग करेगा सच दैट, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास fx जो है एफ एक्स के अंदर अप्लाई करके दिखा देंगे, अगर ये वाई के इक्वल आ जाता है तो हम क्या बोल देंगे फंक्शन ऑन टू है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एक्स की जगह में क्या रखना है वाई माइनस 3 बाई 4, तो इसके अंदर अप्लाई कर देंगे जहां एक्स था एक्स 4x प्लस 3 था फंक्शन 4, एक्स की जगह क्या रख दिया वाई माइनस 3 बाई 4 और प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल क्या आया वाई माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल क्या आ गया वाई,
तो फंक्शन क्या हो गया, एफ इज ऑन टू, देन फंक्शन इज वन वन एंड ए ऑन टू, सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट है। अब इन्वर्टेबल दिखाना है तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी और जी ओ एफ, जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले आएंगे, कैसे, जी इन ऑफ एफ एक्स, जी को बाहर रख लिया, एफ एक्स हमारे पास क्या है 4x प्लस 3, जी हमारे पास क्या है, जी अभी हमने निकालना था पीछे, 4x प्लस 3 अप्लाई कर देंगे उसके अंदर, जी हमारे पास क्या आया था y माइनस 3 बाई 4, तो उसके अंदर अप्लाई कर देंगे, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वैल्यू आ गई 4x प्लस 3 माइनस 3 बाई 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 4x बाई 4, 4 से 4 कैंसिल होके क्या आया x। दूसरा क्या निकालेंगे, f ऑफ जी वाई, एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी वाई, जी वाई की वैल्यू क्या है y माइनस 3 बाई 4, फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे, फंक्शन क्या है 4x प्लस 3, 4 x की जगह ये अप्लाई कर दिया प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल, y माइनस 3 प्लस 3 ये कैंसिल हो जाएगा, किसके इक्वल आया y के, तो f ऑफ g और g ओ f दोनों किसके आया इक्वल आए, आइडेंटिटी ऑफ r उसकी आइडेंटिटी के इक्वल आ गए, तो इट मीन्स क्या बोल देंगे कि f इनवर्स एग्जिस्ट है, क्या आ जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू जी वाई के, और जी वाई क्या था y माइनस 3 बाई 4। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।